हेलो फ्रेंड, मैं रुद्रा यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ JVN हेल्पर 2 से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें हम ये बात करेंगे आखिर क्यों रहेगी JVN हेल्पर 2 की कट ऑफ इतनी कम। जी हाँ दोस्तों, जो आज मैंने वीडियो बनाया इसमें बनाया कि इसकी कट ऑफ क्यों कम रहेगी। हम आपको 100% प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि JVN हेल्पर 2 से जुड़ी हुई हर अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि इसकी फाइनल सलेक्शन इसमें कितने नंबर वालों का होगा, वेटिंग लिस्ट कितने नंबर वालों की क्लियर होगी तथा इसका वर्क क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी इसके लिए, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क टफ है या सिंपल है दोस्तों। हम पूरी अपडेट आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी क्यों कट ऑफ कम रहने वाली है। 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम देख चुके हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसमें लोको पायलट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। जो रेलवे ग्रुप डी थी उसमें लगभग 1 लाख वैकेंसी थी दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने JVN हेल्पर 2 का भी एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन वो रेलवे ग्रुप डी में जाना पसंद करेंगे। उसके अलावा हम देख चुके हैं कि लोको पायलट, जी हाँ दोस्तों, लोको पायलट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है तथा इसकी पोस्टिंग भी जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने भी इसमें से JVN हेल्पर 2 का एग्जाम दिया होगा, लेकिन वो लोको पायलट की नौकरी को चुनना पसंद करेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि जो JVN हेल्पर 2 है उसमें जो सैलरी है वो केवल 12,600 है, वो भी 2 साल तक, जबकि लोको पायलट की सैलरी रहती है वो लगभग 25 से 30 हज़ार तक रहती है ट्रेनिंग पीरियड में। उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का है, उसमें रेलवे ग्रुप डी में जो सैलरी रहती है वो 18 से 20 हज़ार रुपये रहती है। उसके अलावा मकान भी रहता है, मकान भी मिलता है वो, जबकि JVN हेल्पर 2 है तो इसकी सैलरी उसमें JVN हेल्पर 2 की रेलवे ग्रुप डी की अपेक्षा उसकी जो सैलरी काफ़ी कम में। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी में जाना पसंद करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा है कि जो हेड मास्टर है, जी हाँ दोस्तों, RPSC हेड मास्टर का भी रिजल्ट आ चुका है। उसके अलावा जो राजस्थान अधीन सेवा बोर्ड ने उसने जो अभी 22 तारीख को 4 रिजल्ट घोषित किए, जिसमें लेबर स्टैंड का रिजल्ट था, तो 1200-1300 विद्यार्थी लेबर स्टैंड में सिलेक्शन हो चुका है। उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में चले गए बहुत सारे विद्यार्थी। उसके अलावा वुमेन सुपरवाइजर का भी रिजल्ट आ गया है अभी 22 तारीख को। उसके अलावा जो आज हमने 23 तारीख को देखा है दोस्तों, 23 तारीख को राजस्थान अधीन सेवा बोर्ड ने LDC का भी रिजल्ट, इसकी जो टाइपिंग डेट है वो घोषित कर दिए। तो लगभग आप मान लो कि 30 से 35 हज़ार विद्यार्थी, 35 से 38 हज़ार, जी हाँ दोस्तों, 35 से 38 हज़ार विद्यार्थी टाइपिंग में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 12 से 13 हज़ार पोस्ट हैं, तो 12 से 13 हज़ार पोस्टों पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें LDC में चले जाएंगे। उसके अलावा हम देखें कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनका सपना एक RPSC SI का है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो RPSC SI में चले जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी फिजिकल की ट्रेनिंग, अभी फिजिकल का रिजल्ट, फिजिकल की डेट घोषित नहीं हुई, तो फिजिकल में लगे हुए दोस्तों। उसके अलावा हम देख चुके कि रीट की काउंसलिंग हो चुकी है, PTI का रिजल्ट आ चुका है, उसके अलावा थर्ड ग्रेड टीचर का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड ग्रेड टीचर का रिजल्ट आ चुका है तथा जो बिजली विभाग है उसमें जो कॉमर्शियल स्टैंड का था उसमें फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस आधार पर मैंने आपको कहा था कि इसकी कट ऑफ इस वजह से कम रहने वाली है। तो दोस्तों हम एक बार और देखते हैं कि रीट का रिजल्ट, रीट की काउंसलिंग हो चुकी है, PTI भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, थर्ड ग्रेड टीचर आ चुका है, सेकंड ग्रेड टीचर आ चुका है, कॉमर्शियल असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, उसकी फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो RPSC SI की तैयारी कर रहे हैं तथा बहुत सारे विद्यार्थी LDC की टाइपिंग में लगे हुए हैं तथा जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका 100% टाइपिंग में हो जाएगा। उसके अलावा वुमेन सुपरवाइजर का रिजल्ट आ चुका है, उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आ चुका है, लेबर स्टैंड का रिजल्ट आ चुका है, हेड मास्टर भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में इसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, इसका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है, लोको पायलट का फाइनल वेरिफिकेशन होकर के फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। तो दोस्तों इस आधार पर ही मैंने कहा था आपके कि इसकी कट ऑफ इस वजह से कम रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके जो दोस्तों जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको तो बहुत बधाई, जिनके लेकिन बहुत कम नंबर आ रहे हैं वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि अगर उनका फर्स्ट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों तो उनका वेटिंग लिस्ट में 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको इसकी कट ऑफ के बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी तथा कितने नंबर वालों का वेटिंग लिस्ट, कितने नंबर वालों की क्लियर हो चुकी है, इसका वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं दोस्तों,
जो ये बताते हैं कि जो JVN हेल्पर 2 की है वो कि चपरासी लेवल की नौकरी है दोस्तों, तो दोस्तों आप इनके बहकाव में ना आइए, क्योंकि कोई चपरासी लेवल की नौकरी है ये, इसका थोड़ा हार्ड वर्क है दोस्तों, आपको थोड़ा हार्ड काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी की चपरासी गिरी नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जी हाँ दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो इस नौकरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जी हाँ दोस्तों JVN हेल्पर 2 है, इस नौकरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इसमें घर के घर में भी पोस्टिंग मिल सके। जो जैसा आप जयपुर के रहने वाले हो, कोटा के रहने वाले हो, झालावाड़ के रहने वाले हो, चित्तौड़गढ़ के, जी हाँ दोस्तों कहीं के भी रहने वाले हो, तो आपको घर के घर में भी पोस्टिंग मिल सकती है दोस्तों। तो आप आराम से अपने घर में रहे तो आपको खर्चा तो बहुत सारा बच जाएगा, उसके अलावा जो अगर घर में आपको 12,600, जी हाँ दोस्तों 2 साल तक 12,600 मिलेंगे, उसके बाद 2 साल बाद तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये मिलने लग जाएंगे दोस्तों। तो ये कोई छोटी नौकरी नहीं है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ग्रुप डी भी आपको ये नौकरी काफी बेस्ट, अगर आपका ग्रुप डी में हो रहा है तो उसको छोड़कर आप JVN हेल्पर 2 में, इसमें आपको इस वाली नौकरी को आप करना पसंद करो दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको 3-4 महीने से ही पागल बना रहे कि इसका रिजल्ट आज आ जाएगा, इसका रिजल्ट कल आ जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। हमने अभी आप तो हमारे पिछले वाले वीडियो देख चुके हैं, हमने कोई भी आपको गलत सूचना नहीं दी है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो गहलोत जी सरकार ने जो 75,000 की घोषणा की है, 75,000 की घोषणा की है, उसमें क्या किया है, उसमें JVN हेल्पर में मतलब बिजली विभाग में 9,000 पदों पर वापस घोषणा की है कि इसी साल 2019 में इसी साल 9,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो उनको अगर भर्ती करनी है दोस्तों तो फटाफट इसकी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, इसके लिए उनको रिजल्ट अभी फटाफट ही देना पड़ेगा दोस्तों। जितना जल्दी रिजल्ट देंगे उतने ही अगले 9,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेंगे दोस्तों। इस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कोई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि 100% इसका रिजल्ट कब आएगा, पर ये बताना चाहता हूँ कि या तो आज 23 तारीख हो चुकी है या तो 30 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और 30 तारीख नहीं आया तो अगस्त में तो इसका 100% रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो इस वजह से इस आधार पर बताया तो दोस्तों मैंने ये जो आपको बताया कि आखिर क्यों रहेगी इसकी कट ऑफ इतनी कम। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगे दोस्तों, 100% प्रूफ के साथ आपको बताया दोस्तों, बड़ी मेहनत करके बताया, तो आपको अगर हमारा वीडियो सही लगे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि JVN हेल्पर 2 से जुड़ी हुई, इसके रिजल्ट से जुड़ी, इसकी कट ऑफ से जुड़ी हर जानकारी के बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान दोस्तों।